हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए शमसिल आरफीन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन जीएसटी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लेक्चर नंबर 3 में, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूं। आप पहले वो वीडियोस देखें, तभी आपके लिए ये वीडियो रिलेवेंट होगा। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अंडर दिस कोर्स। आपने पूरा कोर्स पढ़ लिया, बट अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना ही नहीं आता तो आपका बाकी सारा कोर्स वेस्ट ऑफ टाइम है। और आज से हमारी शुरुआत होने जा रही है लर्निंग प्लस अर्निंग की। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके आप पैसे कैसे कमा सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। इस अर्निंग को कैसे ग्रो करना है वो मैं आपको बताऊंगा। क्लाइंट्स कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। क्लाइंट को इन्फ्लुएंस कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। और उसके बाद जब क्लाइंट्स आपके पास आ जाएंगे, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या क्या अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सब चीजें हम लेक्चर्स में देखने वाले हैं। ये टॉपिक 2 पार्ट्स में हम कवर करेंगे। पहला, आज हम देखेंगे थ्योरी पार्ट्स, किसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या लिमिट्स हैं एंड ऑल। अगले पार्ट में हम प्रैक्टिकल देखेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि जीएसटी के पोर्टल पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक्चुअल में करना कैसे है। तो अब हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। दोस्तों, इस दुनिया में सक्सेस के मायने हर इंसान के लिए अलग अलग है। किसी के लिए पैसा, किसी के लिए रिस्पेक्ट, किसी के लिए पावर, सबके लिए सक्सेस के मायने अलग अलग है। लेकिन इस दुनिया में हर इंसान को सक्सेस उतनी ही मिलती है जहां तक उसकी सोच होती है। हर इंसान अपनी सोच, अपनी औकात के बराबर ही पैसा कमा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं, अपनी सोच को बड़ा करिए। उसी इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए एक लॉयर कचहरी में बाहर बैठकर 150, 200, 500 रुपए में एग्रीमेंट बनाता है, और उसी इंस्टीट्यूट का पढ़ा हुआ लॉयर एक एक जिरह के, एक एक डेट के 5-5 लाख रुपए भी चार्ज करता है। होता है ऐसा क्यों? दोनों एक ही इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए हैं। डिफरेंस होता है उनकी सोच का। सो हमें अपनी सोच को बड़ा रखना है, ताकि हम भी वो अचीव कर सकें जो हम लाइफ में चाहते हैं। तो इसी प्यारे से थॉट के साथ आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमारी जीएसटी एक्सप्रेस जिस स्टेशन में पहुंच चुकी है उसका नाम है रजिस्ट्रेशन। तो अब हम रजिस्ट्रेशन के लिए रेडी हैं। मैंने अभी आपको बताया ये अर्निंग प्लस लर्निंग का चैप्टर है। तो आइए देखते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन। देखिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है? पैन बेस्ड है। मतलब आपके पास पैन होगा अपना, या अपने क्लाइंट का, या किसी का भी, जिसका भी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो पैन है तो ही आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। विदाउट पैन यू कांट प्रोसीड फॉर अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो पहला बेसिक चीज कि ये पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है, तो हमारे पास पैन होना ही चाहिए। दूसरा, स्टेट स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन। ऐसा नहीं है कि आपका जो है दिल्ली में रजिस्ट्रेशन है और आप दिल्ली से बैठे बैठे, अगर अब आपको यूपी या पंजाब या बंगाल में भी अपना बिजनेस, अपनी सर्विस देनी है, तो एक रजिस्ट्रेशन से ही आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको जिस भी स्टेट में जाके अपने गुड्स या अपनी सर्विस की सप्लाई करनी है, आपको हर स्टेट में जाके अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट, बट मे रजिस्ट्रेशन मे रजिस्टर फॉर सेपरेट बिजनेस वर्टिकल। आपको एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है आपने दिल्ली में, या सपोज यूपी में, आपने लखनऊ में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है उसकी एक सिटी का, और आप यूपी में ही वाराणसी में दूसरा रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। नहीं, एक रजिस्ट्रेशन पूरे स्टेट के लिए सफिशियंट है। लेकिन सेपरेट बिजनेस वर्टिकल, जैसे आप एक में बेच रहे हैं मोबाइल, दूसरे में बेच रहे हैं रेडीमेड गारमेंट्स, दोनों बिजनेस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, नेचर एक दूसरे का बिल्कुल अलग है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप दो अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं,
सेम स्टेट में तो आप ले सकते हैं। तो ठीक है, एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन, लेकिन अलग अलग बिजनेस के लिए अगर आप चाहें तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं कि जीएसटी में किसको रजिस्ट्रेशन करवाना है और किसको नहीं करवाना है। आप तो मुझे एक बात बताइए, क्या कोई भी बिजनेस फर्स्ट डे से प्रॉफिट देने लगता है? ऐसा तो नहीं है। हर बिजनेस को स्टैब्लिश होने के लिए कुछ ना कुछ टाइम चाहिए। कुछ बिजनेस 1 महीना 2 महीना यहां तक कि 1-1 साल तक लग जाता है बिजनेस को सही से स्टैब्लिश होने के लिए। अब आप खुद सोचिए, अगर हमें पहले ही दिन से रजिस्ट्रेशन देना पड़ जाए, फिर रिटर्न्स की जो है लायबिलिटी हमारे ऊपर आ जाए, तो एक नया बिजनेसमैन, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर, वो अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए जो है स्ट्रगल करेगा कि वो इस तरीके के जो कंप्लायंस है वो करता फिरेगा। इसीलिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगा दी कि जब तक आपका टर्नओवर इसको क्रॉस नहीं कर जाता है, तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से बैठिए, अपना बिजनेस करिए, और जो लिमिट है वो सफिशियंट है। आइए देखते हैं। जब तक आपका एग्रीगेट टर्नओवर, देखिए 31/3/2019 तक 20 लाख, और उसके बाद यानी कि 1/4/2019 40 लाख, यानी कि आज के दिन मैं अगर बात करूं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट है 40 लाख। 40 लाख तक अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर नहीं क्रॉस कर रहा है, आप आराम से अपना बिजनेस कर सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने की। तो ये है टर्नओवर की लिमिट। किसी भी सर्विस प्रोवाइडर, ट्रेडर का टर्नओवर जब तक 40 लाख को क्रॉस नहीं कर जाएगा, तब तक उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो फ्रेंड्स, हमने ये देख लिया कि आज की डेट में जो जीएसटी की लिमिट है वो 40 लाख है, लेकिन हर स्टेट के लिए 40 लाख नहीं है। जब लिमिट को बढ़ा के 20 लाख से 40 लाख किया गया, तो ये ऑप्शन स्टेट को दिया गया कि वो चाहे तो ओल्ड लिमिट के साथ ही रहें, या चाहे तो 40 लाख की लिमिट को अपने ऊपर एप्लीकेबल कर लें। तो देखिए, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, ये छोटे स्टेट्स हैं, तो यहाँ की लिमिट अभी भी 10 लाख ही है। ऐसा क्यों है? ठीक है, यहाँ की पॉपुलेशन कम है, तो पॉपुलेशन कम होने की वजह से जो बिजनेस है, जो टर्नओवर है, जो सेल है, वो भी कम होती है। अगर इनको भी 40 लाख की लिमिट इनके ऊपर लगा दी गई, तो फिर तो इस स्टेट में कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाएगा ही नहीं। तो इसीलिए इसकी लिमिट कम रखी गई है 10 लाख। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ आज की डेट की अगर हम बात करें तो इन्होंने 40 लाख की लिमिट को अपने 40 लाख की लिमिट को मतलब नहीं माना है, और इन्होंने ये अभी भी पुरानी लिमिट के साथ ही चल रहे हैं, यानी कि यहाँ की जो लिमिट है वो 20 लाख है। इसके अलावा जितने भी स्टेट हैं वो सारे के सारे स्टेट में जो हमारी लिमिट है टर्नओवर की, वो कितनी है? 40 लाख। बस ये हमें याद रखना है कि भैया मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, यहाँ 10 लाख, और बाकी के जो 4 स्टेट हैं उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ 20 लाख, 10 लाख और 20 लाख। इन 8 स्टेट को छोड़कर बाकी हर जगह की लिमिट कितनी है? 40 लाख। अच्छा सर, वो लोग जो या तो सर्विस दे रहे हैं या गुड्स एंड सर्विस दोनों दे रहे हैं, उस केस में देखिए क्या होता है। अगर गुड्स एंड सर्विस दोनों आप दे रहे हैं, तो आपके आपकी जो लिमिट है वो कितनी हो जाती है? 20 लाख। अगर आप दोनों दे रहे हैं, गुड्स भी दे रहे हैं, सर्विस भी दे रहे हैं, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको घर भी बना के देता है और साथ ही साथ मोरंग, ब्रिक्स, ईटा, सैंड, ये सारी चीजें भी आपको देता है, मतलब वो गुड्स की भी सप्लाई कर रहा होता है और सर्विस की भी। अगर कोई ऐसा बंदा है जो गुड्स एंड सर्विस दोनों की सप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए लिमिट कितनी है? 20 लाख। और फिर वही बात आ गई, जो मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर है, वहां चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, लिमिट कितनी है? 10 लाख। एंड उसके अलावा जितने भी स्टेट हैं उनके लिए क्या लिमिट है? 20 लाख। ये मैं आपको क्रक्स बता रहा हूं कि 4 स्टेट को छोड़ दीजिए, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, यहां पर चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, सबकी लिमिट कितनी है? 10 लाख। बाकी स्टेट्स में गुड्स के केस में 40 लाख, सर्विस के केस में 20 लाख। ये है क्रक्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों,
अगर हम एक क्रक्स निकालें जो छोटे स्टेट्स हैं उनको भी किनारे कर देते हैं, उसके अलावा जितने भी बड़े बड़े स्टेट्स हैं इंडिया के, चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, पंजाब, मतलब इस तरह के जितने भी बड़े बड़े स्टेट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो जो क्रक्स है वो ये है कि इन स्टेट्स में गुड्स के लिए जो एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट है वो है 40 लाख, 40 लाख, एंड सर्विस के लिए लिमिट कितनी है 20 लाख। ये है क्रक्स। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख, 20 लाख, ये स्टेट वो स्टेट, बट ये एग्रीगेट टर्नओवर होता क्या है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। उसकी डेफिनेशन ये है कि एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट प्लस एक्सपोर्ट, इसको शॉर्ट में बोले तो टीईई। कोई भी हमसे पूछे कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है तो हम क्या बोलेंगे, टीईई। टैक्सेबल टर्नओवर वो टर्नओवर जिसके ऊपर हमें जीएसटी पे करना है, एग्जेम्प्ट वो सप्लाई जिसके ऊपर हमें जीएसटी पे नहीं करना होता है, एग्जेम्प्ट होती है जीएसटी से, एक्सपोर्ट जो हम इंडिया से बाहर भेजते हैं। इन तीनों तरीके की सेल को जोड़ लीजिएगा, अगर जोड़ने के बाद 40 लाख से क्रॉस कर जाए तो भैया जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, सर्विस प्रोवाइडर है, 20 लाख से क्रॉस कर जाए तो भैया जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है। क्या इंक्लूड नहीं करना है, क्या एक्सक्लूड करना है वो देखिए, इन वर्ड सप्लाई ऑन विच रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल। अब ये रिवर्स चार्ज क्या होता है ये हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि परचेज भी हम ही कर रहे हैं एंड उसके ऊपर जो जीएसटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हमारे ही ऊपर है। नॉर्मली क्या होता है जब हम सेल करते हैं तब जीएसटी पे करते हैं ना, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, हम परचेज भी कर रहे हैं और उस परचेज पर जो जीएसटी पे करना है वो सामने वाला सप्लायर नहीं, वो भी हम ही पे करेंगे। ऐसे जो भी केस होते हैं उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। तो अगर कोई रिवर्स चार्ज का केस है तो वो हम एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको हटा के बात की जाएगी 40 लाख की या फिर 20 लाख की। तो ये मतलब होता है एग्रीगेट टर्नओवर का। सो फ्रेंड्स अब ये देखते हैं किनके ऊपर ये 40 लाख या 20 लाख की जो लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं होती है, यानी कि आप कह सकते हो कि ये वो लोग बेचारे बदनसीब लोग हैं, अगर वो लोग ये बिजनेस करेंगे या इस कैटेगरी में फॉल करेंगे तो उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, अगर वो आज अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उन्हें उन्हें आज ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है, बल्कि मैं ये कहूं कि पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लीजिए उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करिए, ये है इसका मतलब। तो देखिए पहले तो लिखा हुआ है कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं वहां की लिमिट कितनी है 10 लाख, वो हम देख चुके हैं कि वो चार स्टेट्स हैं जिनकी लिमिट कितनी है 10 लाख। अच्छा देखते हैं कि नो थ्रेस होल्ड एग्जेम्पशन एप्लीकेबल टू फॉलोइंग। पहला इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपका गुड्स जाता है या आप सर्विस देते हो। अगर आप ऐसे किसी बिजनेस में हो कि आप एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन पहले लेना है, बिजनेस बाद में स्टार्ट करना है, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है आपके ऊपर। दूसरा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये लोग होते कौन है, सपोज कहीं कोई एग्जीबिशन लगा, कोई प्रदर्शनी लगी, कोई महोत्सव, कोई मेला, कोई इस तरीके के जितने भी होते नहीं आर्ट गैलरी के जो एग्जीबिशन होते हैं, तो ऐसे किसी एग्जीबिशन में आपको अपना माल बेचना है। तो सपोज मैं दिल्ली में हूँ और मैं ज्वेलरी बेचता हूँ और गोवा में कोई एग्जीबिशन लगा, तो अब या तो मैं जब गोवा में जाऊं वहां पर मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊं, फिर पता नहीं मेरा जो ज्वेलरी है वो बिके या ना बिके, फिर ना बिके तो मैं वापस आऊं, फिर मैं अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाऊं, इतने झंझट से अच्छा है कि मैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा कैसे, एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इसको आप ऐसे बोल सकते हो इट इज अ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन अपने आप कैंसिल हो जाता है। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होता है जो कहीं पर जाके अपना माल बेचता है और वहां पर उसका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं होता है जीएसटी में। अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो उसको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है फिर वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तीसरा अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना है, कोई लिमिट नहीं है। ई कॉमर्स वाले जैसे स्नैपडील, अमेजॉन, आपका शॉपक्लूज, ये जितने भी लोग हैं इनको पहले रजिस्ट्रेशन लेना है और फिर बिजनेस स्टार्ट करना है।
जो एनआरआई कौन होते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इंडिया का बंदा कहीं एग्जीबिशन में जाता है तो उसको बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कोई फॉरनर, कोई बाहर का बंदा इंडिया में आता है किसी एग्जीबिशन में अपने गुड्स को बेचने के लिए विदाउट परमानेंट रजिस्ट्रेशन, तो उसको क्या बोलेंगे? एनआरआई। सिंपल, उसको भी क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करवाना है पहले। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा रिट्रीवल सर्विसेज, ये लोग जो ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं ना, जो वेबसाइट पे अचानक से एड पॉपअप होने लगता है या ऑनलाइन जो सर्विसेज देते हैं, तो ये भी क्या हो जाते हैं? बंदा कहीं एक जगह से वेबसाइट पे सर्विस दे रहा होता है और उसको पूरा वर्ल्ड देख रहा होता है, क्योंकि वेबसाइट तो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से इंटर स्टेट सप्लाई में आ जाता है और इनको भी कोई भी लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता है। फर्स्ट डे से इनको क्या करवाना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन। और फिर ये अदर एज मे बी नोटिफाइड। इसके अलावा गवर्नमेंट जिसको चाहे तो उसको नोटिफाई कर सकती है कि हाँ भैया ये कैटेगरी के लोग हैं, इनके ऊपर कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। तो हमने ये लिमिट देख ली, ये हमने देखा कि ये वो लोग हैं जिनके ऊपर कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। आगे चलते हैं, अब ये देखते हैं कि किनके ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी लायबिलिटी नहीं है। वो कौन लोग हैं? वो बंदा, वो सप्लायर जो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट गुड्स या एग्जेम्प्ट सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है। सिंपल, अगर आप पूरी तरीके से ऐसा कोई गुड्स बेच रहे हैं जो एग्जेम्प्ट है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। दूसरा, हमारे किसान, किसान आपको पता है वैसे भी किस हालत में है। अब उनके ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की भी अगर आप लाइबिलिटी डाल दोगे तो फिर क्या होगा, आप जान सकते हैं। तो दो लोग, अगर आप पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट सर्विसेज दे रहे हैं, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, चाहे लिमिट कितनी ही क्यों ना हो जाए। दूसरा, किसान, ठीक है सर, कब आपको रजिस्ट्रेशन लेना है? जिस दिन आपका टर्नओवर क्रॉस कर गया एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट को, यानी कि जिस दिन आपके ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, वहां से लेकर 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है। सिंपल। और अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं तो 5 दिन पहले आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। बस 1 जनवरी को आपके ऊपर या आपका टर्नओवर 40 लाख क्रॉस कर गया, तो अब आपको 31 जनवरी से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देना है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन लेने के लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो देखिए, ये लॉ की लैंग्वेज है, तो लॉ की लैंग्वेज को इस चाहे चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको नॉर्मल बता देता हूं। पैन, आधार, फोटो, अगर जहां पर उसका प्रेमिसेस है, वो अगर जहां पर उसका ऑफिस होने वाला है वो अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट, और अगर ओन्ड है तो वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर किसी पेरेंट्स या किसी जानने वाले के नाम पर है तो एक एनओसी, नो ऑब्जेक्शन लेटर या फिर कंसर्न लेटर, ये चीजें, और इसके साथ कोई एक यूटिलिटी बिल, चाहे तो वो टेलीफोन बिल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, या कोई कह सकते हैं आप प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिट हो। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कंपनी के केस में कंपनी का पैन, कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और डायरेक्टर की डिटेल। डायरेक्टर की डिटेल में वही चीजें, पैन, आधार और डायरेक्टर की फोटो। फर्म के केस में फर्म का पैन, फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और फर्म के पार्टनर्स की डिटेल। पार्टनर्स की डिटेल में भी वही चीजें, पैन, आधार, उसकी फोटो। कंपनी के केस में डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, और बाकी केस में मोबाइल नंबर पे ओटीपी से ही काम चल जाता है। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया, लॉ में क्या लिखा हुआ उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो जीएसटी नंबर होता है, जब हम जीएसटी मतलब करते हैं एप्लीकेशन और वो अप्रूव्ड हो जाती है, तो हमारे पास जीएसटी नंबर आता है 15 डिजिट का। वो देखिए क्या होता है, जो पहले के 2 डिजिट होते हैं वो होता है आपके स्टेट का कोड, जैसे 09 है उत्तर प्रदेश का, उसी तरह अदर अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कोड होते हैं। तो पहले 2 डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे स्टेट कोड। बाकी के जो 10 डिजिट होते हैं वो होता है हमारा पैन नंबर। हमने देखा है जीएसटी पैन बेस्ड है तो पैन नंबर हो जाएगा। उसके बाद होता है 1, 2, 3, मतलब
क्या लिखा हुआ है, एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर इन अ स्टेट, एक स्टेट में सेम पैन पर कितने रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ, अगर एक है तो एक, दो है तो दो, वो यहाँ पर आ जाता है। बाकी जेड एंड फाइव ये बाय डिफॉल्ट आते हैं, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ये बाय डिफॉल्ट जेड आएगा, और एक दो तीन चार पांच छह सात या फिर ABCD कुछ भी हो सकता है। तो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है GSTN नंबर। तो आगे चलते हैं सर, एक छोटा सा चेंज आया है कि अब GST रजिस्ट्रेशन में आधार बेस्ड वेरिफिकेशन होता है। तो आपका जो मोबाइल नंबर है, जो भी आपका क्लाइंट जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसका नंबर आधार से लिंक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आधार से नंबर लिंक होगा तो उस पर OTP जाएगा, तो उस केस में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 7 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है उसमें अगर आपने उसको आधार से वेरीफाई नहीं करवाया, तो फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको आने में 1 महीना भी लग सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो जल्दी से अप्रूव हो जाए, तो आपको आपको आधार बेस्ड वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो आज हमने देखा GST रजिस्ट्रेशन का पार्ट 1। अब पार्ट 2 में हम देखेंगे बाकी बचे हुए सेक्शंस जो भी रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, एंड GST को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन करते कैसे हैं, बिकॉज थ्योरी अलग चीज है, प्रैक्टिकल बिल्कुल अलग चीज है। तो हमें प्रैक्टिकल GST रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए। तो मैं आपको GST रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। जो हमारी वेबसाइट है www.gst.gov.in, उस पर जाके कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले पार्ट 2 में। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मार दो, एंड वीडियोस को शेयर करो अपने दोस्तों तक, और पसंद आ जाए तो यार लाइक भी मार दो। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।